आप इसे टिफिन में बनाकर बच्चों को देंगे ना, बच्चे आपके एकदम टिफिन चाट चाट करके खाएंगे, रोज आपको तंग करेंगे नाश्ते, मम्मी ये ही नाश्ता बनाइए, इतना टेस्टी ये नाश्ता होता है, देखिए ये कितना हेल्दी ये नाश्ता है, आपके बच्चे बड़े कोई भी खा सकता है, या आपके बच्चे खा लें पूरे दिन एकदम मस्त रहेंगे, आप भी टेंशन फ्री रहेंगे, इतना बढ़िया ये नाश्ता है। हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक है। आज मैं मूंग ये अंकुरित मूंग से बहुत ही बेहतरीन नाश्ता बनाने वाली हूँ, जो बच्चों बड़ों सभी को काम आने वाला है। ये नाश्ता बहुत फायदेमंद है, ये इस गर्मियों के मौसम में तो ये सब चीज जरूरी, अपने बच्चों को खिलाए, एक अनाज अंकुरित जरूर खिलाना चाहिए रोज। अगर बच्चे आपके इस तरह से नहीं खाते हैं तो इसका कुछ नया बना करके खिलाइए, ताकि बच्चे अच्छे से खाए। देखिए बहुत आसानी से ये अंकुरित हो जाता है। एक रात के लिए आप भिगो दीजिए और सुबह इसे पानी से छानकर निकाल कर किसी कपड़े में बांध करके रख दीजिए, या ऐसे रख दीजिए, तो ये अंकुरित बहुत आसानी से हो जाता है और ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो चलिए देर किए बिना बनाना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब इसके लिए हमें चाहिए मिक्सी जार, और ये सारे मूंग को मिक्सी जार में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक टमाटर बड़े साइज का, और आधा प्याज है इसे भी हम इसमें डाल देंगे, और ये पांच छह हरी मिर्च है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, थोड़ा सा अदरक, और ये आठ नौ लहसुन का कलिया। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, पानी एक बार नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, नहीं तो मोटा या पतला हो जाएगा तो बनाने में अच्छा नहीं लगेगा, बनने में भी दिक्कतें आएगी। तो चलिए हम फाइन पेस्ट बनाकर आपसे मिलते हैं। एकदम बारीक पेस्ट बनाना है, इसे दरदरा नहीं रखना है, बारीक पेस्ट बनाना है। तो ये लीजिए मेरा ये बैटर जो है एकदम बढ़िया से रेडी हो चुका है, एकदम फाइन पेस्ट बन चुका है। इतना ही हमें चाहिए इस रेसिपी के लिए, इतना ही मोटा होना चाहिए। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक प्याज बारीक कटा हुआ, और थोड़ा सा ये शिमला मिर्च है, ये भी बारीक कटा हुआ है, ये अगर आपके पास हो तो चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये दो चम्मच, बड़ा चम्मच दो चम्मच ये है बेसन। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच काला नमक, काला नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जरूर डालिएगा। आधा चम्मच सादा नमक। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये काली मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अगर स्पाइसी आपको चाहिए तो लाल मिर्च डालें, नहीं तो हरी मिर्च से भी ये नाश्ता बन करके अच्छे से रेडी हो जाएगा और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं, इसमें गुठलिया नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह के बैटर एकदम बढ़िया रेडी हो चुका है, एकदम बढ़िया घोल तैयार हो गया है, इसमें गुठलिया भी नहीं है। अब इतना ही मोटा होना चाहिए, इससे ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं तो रेसिपी अच्छा नहीं लगेगा। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, खाने वाला मीठा सोडा होता है, आधा चम्मच से थोड़ा कम है। अब इसे अच्छे से मिला देंगे, इसे रेस्ट पे हमें नहीं रखना है, आप रख सकते हैं रखना हो तो, पर ये ऐसे भी बन सकता है। आप चाहें तो इस बैटर को रेडी करके रात में रख दे, बेकिंग सोडा नहीं डाले, अभी बनाने के समय डाले, और सुबह अपने बच्चों को नाश्ते में इसे बना करके दे सकते हैं, बच्चे आपके एकदम खुश हो जाएंगे खाकर, और पूरे दिन तंदुरुस्त फील करेंगे। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने फ्राई पैन गैस पे रख दिए हैं, एकदम अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इस पे हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा बैटर को इस पे हम डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इस बैटर को, इस पे गैस को स्लो कर देंगे। इस पे लगाएंगे एक ब्रेड, सोच के देखिए ये कितना हेल्दी ये नाश्ता है, आपके बच्चे बड़े कोई भी खा सकता है, या आपके बच्चे खा लें पूरे दिन एकदम मस्त रहेंगे, आप भी टेंशन फ्री रहेंगे, इतना बढ़िया ये नाश्ता है। ये टमाटो सॉस हमने इस पे थोड़ा थोड़ा लगा दिए हैं। अब हम इस पे थोड़ा सा मेयोनीज लगाएंगे, ये सब चीज़ हो आपके पास तो लगाए, नहीं तो इसके बिना भी ये नाश्ता हेल्दी बनेगा।
उसपे थोड़ा थोड़ा चीज डाल देंगे, मोजरेला चीज है आपके पास जो भी चीज है डाल सकते हैं, चीज ना हो तो पनीर भी डाल सकते हैं, अगर वो भी ना हो तो ऐसे भी ये नाश्ता बन करके रेडी हो जाएगा। अब हम इस पे डालेंगे पिज्जा सीजलिंग है, ये ओरिगानो है, ये चिली फ्लेक्स, थोड़ा चटपटा बना रहे हैं ताकि हमारे बच्चे पसंद से खाएं, ये काला नमक। गैस को एकदम धीमी कर देंगे और ढक्कन लगा देंगे, थोड़ा थोड़ा ये मेल्ट भी हो जाए और ये जो बैटर है अच्छे से पक जाए। ओहो कितना टेस्टी ये नाश्ता बन करके एकदम से रेडी हो चुका है, ये देखिए कितना बेहतरीन और मस्त ये मूंगलेट है। ये नाश्ते का नाम आप मूंगलेट रख सकते हैं। ये ब्रेड वाला कितना अच्छा दिख रहा है, सोच के देखिए कितना टेस्टी होगा। ये मेरा नाश्ता एकदम पक चुका है, कुल मिलाकर 5 मिनट में नाश्ता रेडी हो गया है। अब हम इस नाश्ते को निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन टेस्टी ये नाश्ता बन चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से जितना भी बैटर है उसको हम बना लेंगे। फिर से दूसरा बनाने के लिए हमने थोड़ा थोड़ा तेल लगा लेंगे, आप चाहें तो इसे बटर में भी बना सकते हैं, थोड़ा सा बटर भी इसमें डाल दे तो और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा ये नाश्ता। इस तरीके से बटर को मेल्ट होने दे, फिर थोड़ा सा हम ये बैटर को फैला देंगे। अब हम इस पर एक ब्रेड डाल देंगे, ब्रेड को थोड़ा सा दबा देंगे ताकि इसमें एकदम अच्छे से चिपक जाए। अब थोड़ा सा टोमेटो सॉस लगाएंगे, थोड़ा सा चीज डाल देंगे इस पे, ढक्कन लगा देंगे और गैस को धीमा कर देंगे, नहीं तो नीचे से जल जाएगा, अंदर तक पकेगा नहीं। ओहो कितना टेस्टी ये नाश्ता बन चुका है, अब चाहे तो इसे थोड़ा थोड़ा मोड़ के शेप भी दे सकते हैं इस तरीके से, बहुत सुंदर दिखेगा ये। इस तरीके से आप मोड़ देंगे ना तो ये नाश्ता एकदम अलग लुक दिखेगा, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये नाश्ता, एकदम से बन करके रेडी हो चुका है। अब हम इसे भी निकाल देंगे। तो ये लीजिए मेरा ब्रेड मूंगलेट बन करके एकदम से रेडी हो चुका है, हम तो अपने हिसाब से ब्रेड मूंगलेट इसका नाम रखे हैं। आप इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, प्लीज प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा। ये देखिए कितना बेहतरीन टेस्टी एकदम मेरा नाश्ता बन करके रेडी हो चुका है, एकदम हेल्दी भी है। तो चलिए इसे हम काट कर आपको दिखाते हैं। वाओ कितना अमेजिंग ये नाश्ता मेरा बन करके रेडी हुआ है, ब्रेड मूंगलेट, ये एकदम से नया लुक है इस ब्रेड मूंगलेट का, जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितना बेहतरीन ये दिख रहा है नाश्ता, अभी नाश्ता मेरा गर्म है इसलिए मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इस नाश्ते को। देखिए कितना सुंदर टेस्टी हेल्दी सब भी है इसमें, इसमें आप अपने बच्चे को रोटी का भी जरूरत नहीं लगेगा इसलिए हमने इसमें ब्रेड भी लगा दिए हैं। ये सॉस लगा लीजिए, किसी भी चटनी के साथ खाइए इस नाश्ते को। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये क्या है कैसे, बहुत ही टेस्टी है आप यकीन मानिए दोस्तों, ये आप नाश्ता बना लेंगे ना एक बार बनाएंगे बार बार आपको बनाने का जरूरत लगेगा, आपके बच्चे एकदम खुश होकर के खाएंगे, बड़े भी खाएंगे। तो अगर मेरा नाश्ता पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।